हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो की शुरुआत हो गई है और ये सुबह का ही टाइम है। उगते सूर्य के आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये सो रही है मेरी सौम्या, देखो सोते हुए तो बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, पर उठते से ही बवाल मचा देते हैं, बस रोना शुरू कर देते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं। सोते रहते हैं बच्चे तब तो ऐसे लगता है कि हाँ इन्हें देखते रहे, अच्छे लग रहे। तो अभी काम तो मैंने कर लिया है ख़त्म और मैं आ गई हूँ किचन में। काम तो वैसे ख़त्म तो क्या हुआ है, अभी तो बहुत सारा काम है, पर झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये थोड़ा सा हो गया है। और किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। सब्जी मैं आज बना रही हूँ आलू और गोभी को फ्राई करके। तो ये मैंने तेल गरम हो गया और इसके अंदर गोभी डाल दी है फ्राई होने के लिए पहले। तो गोभी को मैं फ्राई कर रही हूँ पहले थोड़ी सी। तो ये गोभी हमारे खेतों की नहीं है, ये तो बाज़ार से ही लेके आए थे। तो आज मैं सोचा बना ही लेती हूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। बाकी ज़्यादातर सिंपल तरीके से ही बना लेते हैं हम, तो फ्राई करके नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऐसे फ्राई करके ऐसे तो ज़्यादा ऑयली खाते भी नहीं हैं, और फिर ऐसे डेली फ्राई करके बनाते हैं तो बजट से बाहर हो जाता है काम। तो बजट देख के ही बनाना होता है खाना पीना भी, तो कभी कभार ऐसे बन जाती है, बाकी डेली नहीं बनती है, ऐसे सिंपल तरीके से ही बन जाती है। ज़्यादातर सर्दियों में बनाते हैं हम गोभी। इस टाइम में आ तो रखी है वैसे बाज़ार में, पर लेके नहीं आते हैं, ऐसे अच्छी नहीं आती है इस टाइम में, तो हम लेके नहीं आते हैं। सर्दियों में खाते हैं ज़्यादा गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ गोभी मेरी फ्राई हो गई है लगभग, और आलू भी मैं डालूँगी इसके अंदर। तो ये मैंने मिक्सी के जार में डालना है, अदरक लहसुन है, हरी मिर्च और प्याज टमाटर, ये सब डाल तो दिया मैंने, पर लाइट नहीं आई हुई थी, मैंने देखा नहीं, ऐसे ही काट के डाल दिया। फिर वैसे ही काटी मैंने, जैसे काट के डालते हैं डेली, वैसे ही काट के फिर मैंने डाला था सब्ज़ी में, क्योंकि लाइट आई नहीं रही थी और मैंने डाल दिया था उसमें काट के। आई लाइट पर मैंने सब्ज़ी बना ली थी उसके बाद में आई थी, और मुझे पहले ही बनानी थी क्योंकि लेट हो रहा था फिर। तो यहाँ मेरे आलू भी फ्राई हो गए हैं और गोभी भी फ्राई हो गई है। तो अभी इसके अंदर से थोड़ा सा मैं तेल निकाल लूँगी और फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो ये तेल तो गर्म था ही, मैंने निकाल लिया इसके अंदर चम्मच से थोड़ा सा तेल और जीरा डाल दिया है, और फिर ये एक तेज़पत्ता भी डाल दिया। आज मैंने पड़े तो हैं तेज़पत्ते, वैसे तो मेरे पास है ये सामान तो मसाले तो, पर डालती नहीं हूँ मैं डेली, कभी कभार ऐसे बना लेते हैं डाल देते हैं, बाकी सिंपल ही होता है हमारा खाना पीना। तो ये डाल दिया, और प्याज और जो काट के रखे थे मैंने हरी मिर्च वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो ये थोड़े से पक जाते हैं, उसके बाद मैं मसाले डाल दूँगी इसमें, हल्दी मिर्च जो भी हैं डेली यूज़ के जो मसाले होते हैं वो, थोड़े से भिगो के डाल देती हूँ मैं, और लहसुन भी डाल देती हूँ इसके अंदर ही पीस के। और ये लहसुन और अदरक थोड़ी सी डाली है मैंने, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए जो टमाटर मैंने काट के रखे थे दो तीन, वो मैं डाल रही हूँ अभी। वैसे तो मैं देखती हूँ सबको ही बहुत ही तरीके आते हैं अलग अलग सब्जी बनाने के, फ्राई करके बनाने के, सिंपल तरीके से बनाने के, सबको ही आते हैं, पर सबका अपना अपना होता है, कुछ तो अलग होता ही है थोड़ा बहुत। तो ये मेरा तरीका है। तो ये पक गए हैं मेरे मसाले, और अब मैं इसमें ये गोभी और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, और फिर मिक्स कर दूँगी मैं इनको थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी डाल के। और मैंने इसको पका लिया है, ऐसे तरी वाली हो जाएगी, नहीं तो सूखी सी सब्ज़ी बन जाएगी। तो लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा और पका लूँगी मैं इसको, और फिर बंद कर दूँगी। तो ये देखो ऐसी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है मेरी, अच्छी बनी थी सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तरीका, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। ये बन गई है मेरी सब्ज़ी, और मैंने रोटियाँ भी सेक ली हैं दो चार,
और ये लगा भी दी है मैंने थाली अपने हस्बैंड के लिए, वो ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले उनको ही देती हूँ मैं खाना, पहले बच्चों को फिर उनके लिए, फिर बाद में खाते हैं हम। तो ये लग गई है थाली। हेलो जी, हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है अभी, तो आजकल देखो मैं यहाँ से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ क्योंकि फूल हैं वो सुंदर सुंदर खिले हुए होते हैं यहाँ, तो शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं सुबह शाम के टाइम। तो देखो दो कलर के खिल रहे हैं ना अभी भी, तो यहीं से मैं आपको भी दिखा देती हूँ और वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं अभी खेत में, जा रही हूँ मैं क्योंकि सब्जी तोड़ के लेके आनी है थोड़ी सी और फिर दूध भी निकाल के लेके आऊँगी मैं। तो चलती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ उधर। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर और ये कचरा भी लिया है मैंने साथ में, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई थी ना तो उसका ही कचरा है। हमारे गाँव में है ना कोई वो कचरे वाली गाड़ी नहीं आती, हम खेतों में ही ऐसे एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं फिर जला देते हैं या तो, और या फिर वैसे मिट्टी ये होती है वो तो मिट्टी में मिल जाती है और बाकी हम जला देते हैं कचरे को। अभी आ गई हूँ खेत में और खेत में यहाँ पे मैं तोड़ रही हूँ चौंले की जो फली होती है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसी होती हैं चौंले की फली, चौंले की बोलते हैं मूंग मोटर चौंले रिये होते हैं ना, इनमें से ये एक है, चौंले वाली फली है। पीछे ग्वार की फली है, ग्वार का खेत है ना हमारी बाड़ी में वो है ये। मैं सब्जी बनाऊंगी इनकी चौंले की फली की और काचर की मिक्स में। तो ये तोड़ ली है मैंने थोड़ी सी, तो थोड़ी सी और तोड़ूंगी मैं, ज़्यादा वैसे लग भी नहीं रही है अभी, लगना बंद हो गई है, थोड़ी थोड़ी लगती है। और ये इधर सौम्या और दफू हैं, ये दोनों खेल रहे हैं गाड़ी से, गाड़ी है ये इनकी और ये हैंडल घुमा रही है सौम्या, और ये दफू पीछे बैठी है और ये हैंडल घुमा रही है, दोनों खेल रहे हैं। कैसी लगी आज की वीडियो आप सब बता देना मुझे कमेंट करके। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।